मेड द मिस टूर कंप्लीट कर लिया, नाउ वी हैव टू गो टू गोट आइलैंड। गोट आइलैंड में दो तीन और स्पॉट्स हैं, और गोट आइलैंड का खासियत ये है कि वो नायग्रा और यूएस के बीच में एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है ये नदी के ऊपर, उसमें जाएंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चल के जाएँ या तो हम गाड़ी से भी जा सकते हैं। गाड़ी से जाएंगे तो वहाँ पार्किंग के लिए बहुत सारा स्पेस है, आप गाड़ी वहाँ पार्क करके घूम सकते हो, या फिर एक वॉकिंग ब्रिज है जिसको आप क्रॉस कर सकते हो। Do you mind if I record? तो गोट आइलैंड पे पहुंच गए हैं। गोट आइलैंड पे ट्रेल है, ट्रेल को वॉक करो, यहाँ भी बहुत सारे रैंडम बीच में स्पॉट्स आएंगे। ये ट्रेल जो है ना एकदम वाटरफॉल के बाजू से जाती है, तो जैसे आप चलते रहोगे तो बाजू में आपको वाटरफॉल का पूरा सब पानी जो जा रहा है वो दिखता जाएगा, और फिर एकदम एंड में आई थिंक एक स्पॉट है जहाँ से सारा पानी गिर जा रहा है नीचे, तो वो ये ट्रेल का सबसे लास्ट पार्ट है। यहाँ से ही सारा पानी नीचे गिर रहा है, मतलब ये एक पार्ट है पूरे नायग्रा फॉल्स का जहाँ पे बहुत सारा पानी एक साथ नीचे गिर रहा है। और हम अभी सब मेड ऑफ द मिस से जब गए थे तो नीचे से गए थे, और अब ऊपर से देख रहे हैं इसको। इतना लेट हो गया है और ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं तो भी इतना ब्राइट है, तो समर में अगर आप आ रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम है पूरा नायग्रा फॉल्स का टूर एंजॉय करने का। ये व्यू क्या ऑसम है यार, ऐसा मिलियंस एंड टन्स ऑफ वाटर एक साथ गिर रहा है, टू गुड। प्रॉब्लम है कि यूएसए साइड से ना एक स्पेसिफिक पार्ट ही नायग्रा फॉल्स का प्रॉपरली दिखता है, और दूसरे साइड से कनाडा के साइड से एक दूसरा हिस्सा है फॉल का जो बहुत बेटर दिखता है। लोग बोलते हैं कि इट्स मच बेटर देन व्हाट वी सी ऑन द यूएस साइड, बट गोट आइलैंड पे अगर आप आओगे तो टियरपिन पॉइंट करके एक जगह है जहाँ से आप एकदम क्लोजली उस वो फॉल को भी देख सकते हो जो कनाडा के साइड से दिखता है, तो यहाँ से आपको एक बेटर व्यू मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे गोट आइलैंड पे आ रहे हो तो डेफिनेटली उस पॉइंट को ज़रूर जाके देखना, मिस मत करना, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ तो तक ऑलरेडी आप आ चुके हो तो वहाँ तक जाना तो बनता है। और टियरपिन पॉइंट से जो व्यू दिखेगा ना, टू गुड, क्योंकि पानी इतनी स्पीड में गिर रहा है, उसका जो मिस्ट है वो एकदम फॉल के ऊपर तक फ्लोट हो रहा है। तो मैं दिखाता हूँ पीछे आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, वाटरफॉल तो हो रहा है बट पानी उड़ के इतना ऊपर तक आ रहा है। या दिस स्पॉट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स ऑन गोट आइलैंड। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो एकदम पीक विंटर में आया था, और यहाँ पे पूरा स्नोफॉल इतना हुआ था ना कि ये रेलिंग्स पे पूरा स्नो लगा हुआ था, सब कुछ जम चुका था, और वाटरफॉल भी ऑलमोस्ट हाफ जम चुका था, पानी एक थोड़ा सा ही पानी गिर रहा था, बाकी सब कुछ जमा हुआ था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स ऑन गोट आइलैंड। सो
सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जो मिस्ट है, जो पानी के फॉल्स है, जो मिस्ट उड़ रहा है, वो इतना ऊपर तक आ रहा है कि वो वाटरफॉल के हाइट के ऊपर चला गया है. इतने दूर खड़े हम लोग अभी, तो भी हमारे ऊपर पानी आ रहा है. बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. छोटा फॉल है. बर्ड्स लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है, उड़ उड़ के पूरा एंजॉय करते हैं ना, हर डायरेक्शन से, कनाडा से, यूएस से. कोविड खत्म हो गया है तो टूरिस्ट लोग की बिल्कुल कमी नहीं है. इतना लोग हैं यहाँ पे ना, सब लोग ये फॉल का एंजॉय कर रहे हैं. सनसेट भी बहुत ब्यूटीफुल है, देखो. या परफेक्ट एंडिंग टू अ वेरी नाइस डे. मस्त टूर हुआ और सनसेट भी इतना अमेजिंग है कि देख के एकदम ऐसा दिल को सुकून मिल रहा है. बादलों में भी लाइटिंग लगाई है. आई नो, इतना सुंदर है. और वो जो कनाडा साइड पे जो वो टावर है उसके ऊपर लाइट्स कैसे चमक रहे ना. कनाडा साइड पे उनके पास बहुत ही ब्रॉडर व्यू है और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीन जगह पे उन लोगों ने फोकस लाइट्स लगाए हुए हैं जो पानी के ऊपर पूरा पानी को इल्यूमिनेट कर देते हैं. तो रेड, ग्रीन, डिफरेंट कलर्स में वो लाइट्स स्ट्रक्चर्ड होती रहती हैं और इसीलिए यहाँ पे लोग इतनी इतना वेट कर रहे हैं क्योंकि जैसे सनसेट होगा तो वो लाइट्स और चमकेंगी और बेटर दिखेगा. तो अगर आप आ रहे हो शाम को हो तो वेट करो सनसेट होने का और फिर देख के जाओ. और अगर आप कनाडा साइड से देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि कलरफुल रहेगा एकदम. अगर कोई भी इंडिया से आ रहा है यूएस घूमने के लिए या फिर यूएस में ये कहीं भी आप हो तो आपको नायग्रा फॉल्स तो जरूर आना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही ऑसम नेचुरल वंडर है. और यहाँ पे देख के आपको जो आप कैमरे में कितना भी देख लो, मतलब वीडियोज में कितना भी देख लो, बट रियल में जो आपको देखने से जो फीलिंग आएगी वो आई कैन नॉट टेल यू कितना अच्छा है. तो प्लीज़ यहाँ पे आओ और ये सारा व्यूज को एंजॉय करो, बोट टूर करो और खुद की आंखों से देखो, फिर आपको रियलाइज होगा कि ये कितना मस्त है. सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.